Swardeep आगे हैं एंड निधि इज ऑल्सो देयर एंड सुदीप स्वरदीप एंड आशीष भी आ गए हैं। चलो आशीष कहीं पर इंटरव्यू दिया रिसेंट में इस 2-3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर आशीष किसी ने भी कुछ इंटरव्यू दिया तो पूछो कुछ प्रॉब्लम आई कुछ ऐसा हुआ तो बोल सकते हो कि सर यहाँ पर ये किया तो ये प्रॉब्लम आया नहीं। चलो तो अभी प्रैक्टिस किया तुम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया कुछ प्रॉब्लम आया उसमें। हेलो सर, हाँ बोलो ना सुदीप। सर मैंने एक स्टैट का फाइल भेजा हूँ। मेरा एक फ्रेंड मेरे को एक प्रोजेक्ट करने के दिया है, बहुत बढ़िया तो मेरे को सबमिट करने बोला है स्टैट रिपोर्ट, तो कैसे करूँ? बहुत आसान है। कर लिया क्या? मैं कर लिया, बीम हाँ कॉलम डिजाइन कर लिया, शेयर वाल भी कर लिया, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बार ओपन हाँ हाँ करूँ? 1 मिनट उन्होंने सॉइल रिपोर्ट भी भेजा है सर। सॉइल रिपोर्ट भी भेजा हुआ है। ओके अच्छा, तो सॉइल रिपोर्ट से कौन सा डाटा लेना पड़ेगा वो एक बार बता दो। ओके जस्ट अ मिनट, मुझे बताना कि मेरा स्क्रीन जब शो होने लगे क्योंकि मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर, हाँ सर, ओके ग्रेट। चलो जिसको जो भी प्रॉब्लम आई पहले प्रॉब्लम पूछ लो उसके आगे हम लोग चलेंगे। फिर पहले तो सॉइल रिपोर्ट आया हुआ है और उसके बाद ये फाइल तुमने डिज़ाइन किया हुआ है एंड सर मैं पहले जहाँ इंटरव्यू दिया था उसमें बोला रहे हैं कि विश्वकर्मा पूजा की वक्त ज्वाइनिंग देगा, पहले बोला था जन्माष्टमी के बाद होगा। कोई बात नहीं, विश्वकर्मा पूजा के बाद भी देगा तो कोई प्रॉब्लम है। विश्वकर्मा पूजा कितने दिन बचा हुआ है? इससे देखो एक बेनिफिट ये होगा कि तुम्हें प्रिपरेशन करने को टाइम मिल गया, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि जॉब तो अपने हाथ में ही, वो क्या होगा उनके पास प्रोजेक्ट जो आने वाला होगा वो आया नहीं होगा, इसकी वजह से वो लंबा खींच रहे होंगे। देखो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें SVC दिया होगा और कौन सा फाइल प्रीफर करना है वो दिया होगा। दिया है, पढ़ा उसको सुदीप? हाँ सर पढ़ा हो, हाँ तो पेज नंबर 14 में और 17 में कुछ दिया है, आप एक बार चेक करो। तो पेज नंबर 14 में नेट अल्टीमेट नेट सेफ का एक डेटा दिया है। ओके देखो सारे पढ़ लेता हूँ। बहुत बड़ा रिपोर्ट बना दिया, इतना रिपोर्ट जनरली कोई बनाता नहीं है, बहुत बनाते हैं 5 पेज 10 पेज 12 पेज की। तो लेबल सुधार दिया, ओके। वो क्या होता है उनके पास एक फॉर्मेट रहता है बस सर ये फॉर्मेट। वाला पेज नंबर 14 में हाँ दो ये है, डेटा है, नेट अल्टीमेट और नेट सेफ। बेरिंग कैपेसिटी हो गया और हो गया ऑटोमेटेड नेट बेरिंग कैपेसिटी एस ओके, और नेट बीरिंग ओके नेट अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी ओके 26.94 और टी क्यों दिया है, कैसे दिया है? टोन सर, टोन हाँ में दिया है टोन्स टोन सर। में दिया हुआ है ना। हाँ सर, ओके और सर मतलब पेज नंबर 17 में एक रिकमेंडेशन भी दिया है, एक बार चेक करो कौन सा लेना होगा एक बार। आइसोलेटेड फुटिंग इन्होंने बोला है कि प्रीफर करने के लिए कि आइसोलेटेड। ये देखो हमारा सबसे मेन डाटा यही होता है कि फुटिंग सॉइल के हिसाब से कौन सा हमें बोला गया है करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा डन हो गया कि ये करना है। अब इसके बाद इन्होंने कुछ डेप्थ वगैरह के लिए भी रिकमेंडेशन दिया है क्या? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1.5 मीटर बिलो तो ओके ठीक है, वो भी सही है। और आपका जो आ रहा है वो शायद यहीं पर आ रहा है क्योंकि आपका कुछ ऐसे ही आ रहा है वैल्यू जियो सोल्यूशंस। ओके ठीक है ना, बस आइसोलेटेड फुटिंग इसका डाटा है मेन, तो हमें पता चल गया कि आइसोलेटेड है। और उसके बाद रिकमेंडेशन क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये भी आ रहा है। रिकमेंडेशन किस पेज पे दिया है? तो पेज नंबर 17 17 पे दिया क्या? लेबोरेटरी टेस्ट दिया हुआ है और उसके बाद है ऊपर जनरली। में है। हाँ समझ गया, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ लास्ट तक डाटा इनका, बहुत लंबा इन्होंने खींच दिया है एक्चुअली। वो क्या होता है कि वो जो फॉर्मेट रहता है ना उसमें केवल डाटा चेंज करके प्रिंट कर देते हैं, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ सिंपल डाटा अगर है तो इतना लंबा नहीं जाता है। 17 अच्छा है, मतलब डिटेल में दिया है कोई बुरा नहीं है। 19
ये हो गया 17। हाँ रिकमेंडेशन द स्ट्रक्चर्स सब सॉइल एक्सप्लोरिंग विल वॉज कंसल्टेड प्रपोज G+3। G+3 का शायद स्ट्रक्चर है ये। हाँ सर, हाँ तो इन्होंने बोला है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर स्ट्रक्चर सैलोज द फाउंडेशन फॉर्म ऑफ द आइसोलेटेड स्ट्रिप सजेस्टेड। ओके, इन्होंने बोला क्या, तो स्ट्रिप फुटिंग करो या फिर आइसोलेटेड करो या फिर दोनों कर सकते हो। द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सच आइसोलेटेड स्ट्रिप अलॉन्ग द अलाउबल सेटलमेंट इज अ टेबुलेटेड विलो। ठीक है, मतलब कि एक्जेक्टली इसके अंदर में, क्योंकि हमारी SBC इसके अंदर से आ रही है ना, SBC कुछ इसी के अंदर आ रहा होगा ना। से कौन सा वैल्यू लू एक्चुअली, 11.1 या 10.8? 10.8 का किस लिए दिया हुआ है, 10.8। अच्छा, ये एक्चुअली फुटिंग के साइज पर डिपेंड करेगा ना कि आप फुटिंग का साइज क्या कंसिडर कर रहे हो। 2.5 × 2.5 करो तो 10.8 ले लो। सर लेकिन सर, जब मैं स्टैट फाउंडेशन में करूंगा तो पहले तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी देना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली तो ये क्या बोलते हैं, 10.8 एक क्या होता है, इसमें से एवरेज डाटा लेना होता है, तो 10.8 एक एवरेज डाटा है, तो इसको तुम ले सकते हो 10.8 को। ठीक है, अदरवाइज और सर सबको सम करके डिवाइड कर दूं। नहीं ऐसा भी कर सकते हो, बट एक एवरेज, सम ऑफ एवरेज होता है, तो उसमें से 10.8 तुम कंसिडर कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जरूरी नहीं कि इनका यही फुटिंग साइज लो। ठीक है, इन्होंने रिकमेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जस्ट रिकमेंडेशन होता है, क्योंकि देखो साइज तो फुटिंग खुद से डिसाइड करने वाला है ना स्टैट। हाँ सर, ठीक यही है, तो बात। तो ये क्या होता है, एक रिकमेंडेशन होता है कि अप्रोक्स इतना दोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो अभी जो एक्चुअली में, मतलब इन्होंने भी ठीक दिया है, बट एक्चुअली में सॉयल रिपोर्ट ऐसे देते हैं। सर ये आपने भेजा था? भेजा था ना मैंने, क्योंकि हाँ अब सर, इसमें देखो मेन क्या होता है, मेन अपने को बता दो भाई कि हमारा सॉइल का टाइप कौन सा है और कितना हम अप्रॉक्स मीटर लेके जा सकते हैं, खत्म। ये देखो इतने टन के लिए इतना जा सकते हो, इतने टन के लिए इतना। देखो इसमें ज्यादा टन का जरूरत पड़ रहा है ना, तो इसलिए पाइल कर रहे हैं, और उसमें कम था तो देखो आइसोलेटेड से काम हो गया ना। ठीक है, तो ये बस इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, बस हो गया। तो वो 10.8 तुम कंसिडर कर सकते हो, फिलहाल उससे कम भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट 10.1 कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। और अब देखते सर हैं और नंबर एक कैसे क्वेश्चन, सर आते आप हैं। चैट फाइल को ओपन कीजिए। हाँ, किसी और ने भी कुछ किया होगा तो आप भी भेज के पूछ सकते हो। चलो यहाँ बहुत बढ़िया है, छोटा सर सा ये इमेज मैं सर एक्चुअली सर आपने प्लान में एक बार देखिए, मैं ऑटो कैट का जो फाइल है एक, हमारे पास भी लाइव प्रोजेक्ट आज आया हुआ है फार्मेसी का है। ये तो छोटा ही प्रोजेक्ट है, ज्यादा हैटिक नहीं है। है सर, मैंने बोला था एक फ्रेंड को तो ये एक आदमी का बाड़ी है सर, अच्छा है घर ना, है। जितने प्रोजेक्ट करते हो उतनी एक्यूरेसी आती है, तो बहुत अच्छी चीज है, खोज खोज के करना चाहिए। ठीक है, सर ये जो प्लान है ना, इसमें आप लिफ्ट को पोर्शन में देखिए, उधर कोई कॉलम नहीं है। ये लिफ्ट है। हाँ लिफ्ट शिफ्ट, हाँ ओके, ये वाला हाँ लेफ्ट लेफ्ट को जो प्लान है, इधर देखिए सर, इधर एक ही कॉलम है। ओके, पहले तो ये लिफ्ट से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, लिफ्ट ये लिफ्ट शाफ्ट यही दिख रहा है, यहाँ से ग्राउंड स्टार्ट फ्लोर से ही ये, हुआ है यहाँ सर, यहाँ से, हाँ तो तो यहाँ उधर एक ही कॉलम है कॉर्नर में, ऊपर में कॉर्नर में। केवल एक यहाँ पर कॉलम है। ओके, और ये तो कॉलम से सर प्लान स्टैट में सर मैंने कैसे करूँ, मैंने तो चार कॉर्नर में कॉलम दिया हूँ, मेरे तो नहीं हो ओके, रहा है। एक्चुअली देखो पहली बात तो इनसे ये कंफर्म करो, चारों साइड शेयर वॉल देने वाले हैं क्या, तीनों साइड, चारों तो नीड नहीं है, तीन साइड देने वाले हैं क्या, क्योंकि जनरली सर क्या मैंने होता है, बोला था शेयर वॉल के लिए, तो बोला हाँ शेयर वॉल डिजाइन कर बोला हाँ नहीं डिजाइन था। करना है बेसिकली, बट शेयर वॉल थ्री साइड्स करना है या फिर वन साइड करना है ये कंफर्म कर लेना, क्योंकि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जनरली थ्री साइड नहीं देते हैं। ठीक है, अच्छा क्योंकि रेसिडेंशियल मतलब इस तरह की जो छोटी बिल्डिंग्स होती है इसमें थ्री साइड नहीं देते हैं, दो साइड ब्रिक वॉल देते हैं और वन साइड RCC वॉल देते हैं, तो एक बार तो पहले वो कंफर्म कर लेना। ठीक है, अब रही बात दूसरी चीज की, तुम यहाँ से यहाँ तक तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक कॉलम दे सकते हो, मतलब कि जस्ट कॉलम का साइज दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर और तो उसमें, मैंने किया हुआ है, हाँ देखिए एक ठीक बार। है, मैं बता रहा हूँ मतलब कैसे करना है। जैसे तुमने एक कॉलम यहाँ पर रिकमेंड कर दिया, एक कॉलम यहाँ रिकमेंड कर दिया, तुम्हें पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना, वही पॉइंट के लिए सोच रहे होगे ना कि पॉइंट कैसे गेन करेंगे, राइट। हाँ, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर कॉलम्स के लिए एक पॉइंट तो दे सकते हो ग्रिड, उस ग्रिड को डिफाइन मत करो, सिर्फ ग्रिड को लेके अपना कॉलम ड्रॉ कर लो, उसके बाद तुम उसको रिमूव कर दो, मतलब कि अच्छा समझ गए कि नहीं। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, रिफरेंस के लिए कॉलम चाहिए, तो एक ग्रिड ड्रॉ कर लो नीचे से ऊपर तक, और उसके बाद अपना सीरोल ड्रॉ कर लो, सीरोल ड्रॉ करने के बाद उसको रिमूव कर दो। ठीक है, और ये सर, आप कन्फर्म, एक बार इधर में हाँ करके देखा ही हाँ नहीं। चलेगा,
एक मिनट में पहले देख लो तुम्हारा सिरवाल, तुमने शायद चारों साइड पैक कर दिया है। नहीं चारों साइड तीन से साइड ओके थे। हाँ तीन साइड ठीक है, ये दिया हुआ है। और कोई एरर वार्निंग तो नहीं है? एक वार्निंग आया है सर, एक कॉलम का रेनफोर्समेंट ज्यादा, वो भी शियर वॉल का एक कॉलम का है, देखो अभी जैसे इसमें कुछ नहीं करना तो ठीक है, वो तो सॉल्व कर लोगे ना? वो सर करने की कोई जरूरत है क्या? तो नहीं शियर नहीं वॉल का नहीं कॉलम तो नहीं है उधर हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली। उसको भी हटा सकते। देखो मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक कॉलम लगाना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? जनरली देख लेना इनको भी, अभी ये भी यही बोलेंगे वन साइड हमको चाहिए, या तो यहाँ चाहिए होगा या फिर यहाँ चाहिए होगा, जिधर भी उसकी फेसिंग करेंगे, ठीक है? बाकी दो साइड ये लोग ब्रिक वॉल ही बनाने वाले हैं, बहुत रेयर होता है कि लोग थ्री साइड करें, करे तो अच्छा ही अपना क्या जाता है। अब मान लो कि तुमको यहाँ पर एक चाहिए सियर वॉल यहाँ से लेके यहाँ तक, गॉट इट? तो अब क्या करो कि यहाँ पर एक पॉइंट दे दो, क्योंकि ऐसे तो तुम ड्रॉ नहीं कर पाओगे, अगर ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करने जाओगे तो कहाँ से पॉइंट दोगे, ठीक है? तो बस सिंपल सा मेथड है कि इसको लो और यहाँ पर गए और इसको लेके जस्ट इसको इंसर्ट मोड कर दो। सपोज मुझे मिड तक चाहिए, या फिर कोई डिस्टेंस देना हो तुम्हारे ऊपर है, मैंने मिड कर दिया, ओके। अब यहाँ से क्या करो, वो पॉइंट को सेलेक्ट कर लो, और पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद जस्ट ये अभी हमारे पास, इसको अगर तुम डायरेक्ट मिलाना चाहो तो ऐसे कर दो, अदरवाइज अलग अलग भी ला सकते हो, बट एड बीम भी कर सकते हो ना, पहले कनेक्ट बीम अलोंग टू अपना जो हाइट है कौन सा एक्सिस में रहेगा वही में रहेगा ना, हाँ वाई सर में। वाई। ओके डन, ये हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट जनरेट हो गया, राइट? अब क्या कर सकते हो, बस यहाँ से तुमको क्या बोलते हैं अपना जो भी सीर वॉल लेना है तो सीर वॉल लेने के लिए एड सरफेस करो, और एड सरफेस लेने के बाद ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, ठीक है? हम ये कॉलम को डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं, समझ गए? तो इस कॉलम को डिफाइन करने का मैं नीड ही नहीं है, बाकी सारा प्रोसेस कर लो सेम टू सेम। तो फिर इस लास्ट में वार्निंग तो आएगा ना, कॉलम डिफाइन नहीं होगा तो। डेफिनेटली होगा, तो हमें उसको उस वार्निंग को हमें इग्नोर कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको तो पता है ना कि यहाँ पर कॉलम में देना ही नहीं है ना, हाँ सर, ठीक है? तो इसको कर सकते हो और ये करके ये हो गया। और इसके बाद तुम्हारा मन करे देखना है, डिलीट भी हो जाएगा यहाँ तक है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगा, ये क्योंकि जो सीयर वॉल होता है ये भी एक तरीके का कॉलम होता है, ठीक है? क्योंकि बस इसमें तो 150 mm थिकनेस दे रहे हो, उसमें 230 दे देते हो, इतना ही फर्क होता है ना, हाँ सर। ठीक है? ये देखो कोई कॉलम है यहाँ पे, ठीक नहीं सर, है? ऐसा डिफाइन कर सकते हो, और ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि सीर वॉल क्या होता है, सीर वॉल का मतलब पता है? सीर वॉल का मतलब होता है कोई भी कॉलम जिसका डेप्थ 1 मीटर से ज्यादा हो गया हो, वो सीर वॉल ही तो हो गया ना, ठीक है? तो ये 1 मीटर से ज्यादा है इसलिए सीर वॉल हो गया, बस इसके बाद डिफाइन कर दो। ठीक है सर। और सर स्टैट रिपोर्ट कैसे करूँ एक बार देख। अरे यार इसी में करना था, रुको कंट्रोल जरूर करना पड़ेगा। पहले बात तो स्टैट मतलब कि इसमें तुम दो चीज कर सकते हो, दूसरी एक पहली सबसे आसान चीज तो ये होगी कि जो इसका फाइल आया हुआ है उसी को सेव करके दे दो। सीरोल लगा हुआ है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, एक तो रिपोर्ट जो इसकी आती है डायरेक्ट इसको दे सकते हो, उसने रिपोर्ट मांगा है ऐसे करके मतलब सीरोल का, ये पूरा इसका रिपोर्ट मांगा है क्या? हाँ बोला था स्टैट रिपोर्ट भेज देगा तो ज्यादा दे ही नहीं, ज्यादा लेना, ज्यादा पेज नहीं होना चाहिए ये बोला था। ज्यादा पे नहीं, मैं तो स्टेट रिपोर्ट अगर मांग, देखो रिपोर्ट जनरली कौन मांगता है, रिपोर्ट दो तरीके की बनाई जाती है, एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें कि पूरा का पूरा स्टेट फाइल ही दे दिया जाता है, दूसरा जैसे तुमको अभी तक पीछे प्रोजेक्ट सबमिट किया था ना, याद है क्या, एक वो बिलाल का प्रोजेक्ट तुमको दिया था करने के लिए, हाँ। ठीक है? वैसा करके एकदम सबमिट करके शॉर्ट में जो वो काम की चीज होती है सिर्फ उतना सबमिट कर सकते हो, एक तो वो तरीका होता है। तीसरा तरीका होता है कि जो इसकी रिपोर्ट आती है उसमें से कुछ चीजें जो उसके काम की नहीं इसको डिलीट करके बाकी चीजों को उसको सबमिट कर देने का, ठीक है? उन्होंने बीम कॉलम इधर ही बोला था फुटिंग का एक्चुअली। हाँ तब वो क्या बोलते हैं, एक्चुअली उसको बस वो चाहिए जो मैंने तुमको पहले दिया था ना, याद है क्या, वो जो बनाने के लिए दिया था कि पूरा प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है? उनको वो रिपोर्ट चाहिए, श्योर कर लेना। कुछ आर्किटेक्ट लोग होते हैं वो बोलते हैं स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हमें चाहिए, स्टेट की फाइल चाहिए हमें, तो अगर स्टेट की फाइल का रिपोर्ट चाहिए तो फिर तो तुम्हें वो जो पूरा प्रिंट आता है वो पूरा देना पड़ेगा। अगर उन्होंने मांगा है कि नहीं सिर्फ और सिर्फ स्टेट का रिपोर्ट चाहिए, तो रिपोर्ट का मतलब होता है उसका जो एक ऑन एन एवरेज जो साइज उसका आया है उसका साइज का रिजल्ट उसको चाहिए, ठीक है? दो तरीके से कौन सा तरीका चाहिए, दोनों दे सकते हो तुम, क्या दिक्कत है, ठीक है?
दिखा मैं तो दीजिए दिखा रहा हूँ आप। उस एनआलसी, सुने दो। इसके बाद इन्होंने बोला कि सर मैं पहले जहाँ ओके तो बता दिया मैंने, इन्होंने बोल रहा है कि वेट करना सही रहेगा क्या? बिल्कुल वेट करना सही रहेगा सौरदीप, लेकिन उसी के सहारे हमें क्यों बैठे? वो तो एक जॉब फिक्स हो गई ना हमारी, हमें और जगहों पे भी स्ट्रगल करते रहना है, क्या पता कहीं और सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग वेट करो, बट सिर्फ वेट मत करो, और जगह इंटरव्यू देते रहो। अब तो कॉन्फिडेंट हो गए ना कि एक जॉब तुम्हारे पास है, दूसरे के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो बेटर ये रहेगा सौरदीप कि दूसरे जगह भी अप्लाई करते रहो, और उसको बोल दो कि यस मैं ज्वाइन करूंगा, ताकि स्कूल प्रोजेक्ट का कुछ फॉर्मूला बाकी रहे कि उसको कैसे करना है। हाँ सौरदीप, ओके आशीष, देखता हूँ मैं फोन। सौरदीप बोलो। ओ भाई साहब, सौरदीप माइक तुम मत ऑन करो, तुम्हारा ना बहुत या फिर कहीं ऐसे जगह आ जाओ जहां साउंड कम आए, ईयरफोन निकाल दो अगर ईयरफोन लगाए हो तो। ये देखो सौरदीप बोलो, ये देखो इसकी बात हो रही थी, ये जो पूरा रिपोर्ट है ना दिख रहा है ना सुधीर? हाँ देख रहे हैं। हाँ, ये जो पूरा रिपोर्ट है उसको ये रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, अगर स्टैंड रिपोर्ट कोई बोला है तो ये रिपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है ये प्रिंट ऑप्शन, जस्ट इस पर क्लिक करना पड़ेगा तुमको, पूरी की पूरी रिपोर्ट कॉपी हो जाएगी। ये देखो अभी आ रहा है, और ये करके इस तरीके से जो भी तुम्हारा उसमें प्रॉब्लम वगैरह है उसको छोड़ के ओके कर दो। अब ये देखो पूरा का पूरा ये माइक्रोसॉफ्ट टू पीडीएफ। ठीक है, और ये उस दिन जो जो प्रोजेक्ट तुमको भेजा था उसमें सेम टू सेम था ऑलरेडी, जस्ट इसको क्लिक करो ओके। अब ये तुमको जहाँ सेव करना है अपनी रिपोर्ट को, ये देखो इस तरीके से रिपोर्ट आ जाता है। तो जो कोई स्टैट रिपोर्ट मांगे तो उसको ये रिपोर्ट देना होता है, और अगर केवल केवल स्ट्रक्चर डिटेलिंग चाहिए उसको, तो जैसे तुम लोगों ने भी पीछे ऑटो कैड का किया था, चौधरी प्रोजेक्ट का देखा होगा, वैसा देना पड़ता है। हाँ सर, ठीक है, तुमने स्टैट रिपोर्ट बोला सर है? आपने जो कॉलम डिलीट किया था ना हाँ, उधर जो नोड है नोड भी डिलीट हो गया था उस टाइम। कौन सा नोट? नहीं, वो नोट कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि जब वहां पर ऑलरेडी जब वहां पर सी रोल लगेगी तो वो पॉइंट तो वहां पर ऑलरेडी होंगे ना। अभी जो वार्निंग हमको दिया है उसी नोट का तो दिया होगा, ये जो अभी वार्निंग सभी बीच में दी नहीं कहते, वो वार्निंग आई थी तो हाँ वो उसी की रिपोर्ट की रही होगी। अब क्या बोलते हैं, देखो सीधी सीधी बात है कि अगर यहाँ पर जब सी रोल लगेगा तो ये बीच से तो कट ही होने वाला है ना। हाँ ठीक है, नोट जनरेट होने तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट का प्रॉब्लम नहीं है कुछ। ठीक है, ठीक अभी देखो यहाँ पर तुम्हारा रिपोर्ट आ चुका है, इसको बोलते हैं सुदीप का रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है तुम्हारी, एरर कॉपी द डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ओपन इन यूज, ओके। अच्छा, ये यहाँ पर खुला हुआ है ना, इसकी वजह से नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ से सिर्फ ये सिर्फ सीधे की सारी फाइल्स तुम्हारी अपने आप आ जाएंगी उसमें से, और ये कर सकते हो। और ये होता है कि आप कहीं से भी कुछ भी नया फाइंड करना है उसमें से, तो वो कर सकते हो। मतलब कि मैक्सिमम चांस ये रहेगा कि उन्होंने यही मांगा हुआ है, क्योंकि स्टैट प्रो रिपोर्ट जो स्टैट प्रो की फाइल रिपोर्ट होती है वो यही होती है। तो ये रिपोर्ट अपने तुम प्रोजेक्ट के साथ सबमिट कर सकते हो कि ये रिपोर्ट है, बाकी सामने वाले को पता रहता है, क्योंकि यहाँ पे सबको दिखा देता है ना डेट क्या है, उसके बाद सर ये है क्या है, क्या क्या कॉलम में रेनफोर्समेंट वगैरह आया हुआ है, तो यही मांगा होगा उन्होंने जहाँ तक है। ठीक और सर ये इधर तो फाउंडेशन का तो कोई रिपोर्ट नहीं है। है ना, ये देखो यहाँ पर गए फाउंडेशन पे, ये क्या फाउंडेशन का पूरा रिपोर्ट देता है वो, ये जो फाउंडेशन का रिजल्ट आता है वो क्या है, उसका रिपोर्ट ही है ना इसका। देखो ये कैलकुलेशन सीट नहीं आता है, वही वही देना पड़ेगा ना। हाँ वही है। और उसके बाद उसको यहाँ पे सेव कर सकते हो, या फिर प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर भी सकते हो ऐसा। ठीक है, ठीक है वही सर। फाउंडेशन रिपोर्ट होता है। और लास्ट एक क्वेश्चन हाँ है, बोलो उन्होंने बोलो पैसा बोला तो मैंने क्या बोलो। बोलूं। ये क्वेश्चन का आंसर तुम खुद से बताओ। तो मेरे तो कोई कितना समझ नहीं आ कितना रहा है। स्क्वायर फीट है ये टोटल एरिया? टोटल एरिया सर 70 बाई 20, 70 फीट बाई 20 फीट शायद ऐसा होगा। 70 फीट और 20 फीट, तो साथ में 1400 स्क्वायर फीट है। कितने फ्लोर है? हाँ G+3। जी प्लस 3 है, 14 3 42, 42 हो ना, 14 2 28, 14 3 42 ना।
42, तो 42 × 5 हुआ इनका अप्रॉक्स 22,000 रुपये। वो देगा नहीं, इतना देगा नहीं। वो तुमको नहीं देगा, वो किसी कंपनी में गया होता ना तब तक दे के आता सब। ठीक है, तो आपने क्यों, पर स्क्वायर फुट 5 रुपीज लिया है फिर। हाँ पर स्क्वायर फीट 5 रुपीज। ठीक है, लेकिन 3 रुपए के नीचे नहीं करना चाहिए, तो 3 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपये होता है। ठीक, अगर पूरा उसको ठीक है चाहिए सर, काम तो ठीक है, और पूरा मतलब अभी देखो जो तुमको दे दे ले लो, उसको बोल दो कि 12,000 रुपये बाय रूल होता है। ठीक है, मैंने 3 रुपये स्क्वायर फीट से अपना एकदम मिनिमम प्राइस कैलकुलेट किया हुआ है, तो उसके हिसाब से उसको बोल सकते हो यार आशीष तुम्हारा प्रोजेक्ट दिख नहीं रहा है, सर मेरा वार्निंग आ रहा है टैब फाइल में। ईटेप फाइल मॉर्निंग आ रहा है रोहित, तुम्हारा फाइल ये है। चलो इसके बाद देखते हैं आशीष तुम्हारा पहले इसका देख ले। देखो ये सर यही है, मैंने यूनिक हाँ सिटी का प्रोजेक्ट भेजा हुआ, आप एक बार देख लीजिए। चलेगा, मैं एक एक करके देखता हूँ पहले इनका देख। देखो ये एरर वार्निंग तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप परफेक्ट होते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वार्निंग से आई थी, वार्निंग बहुत ज़्यादा थी यार। ओके, B26, B23 are too close। ओके, story 6 पर B26 और B23 बहुत पास पास है। ओके, F1 and B26 are too close। ओके, B26 बड़ा प्रॉब्लम कर रहा तुम्हारा। और इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है B26 and B23 are too close। हर स्टोरी पे यही आपका क्या बोलते हैं वो करवा रहा है, हर जगह लगभग लगभग यही है। ठीक, कुछ भी रहे ऐसा कोई मतलब नहीं, एक को सॉल्व करना सीख गया तो बाकी सबसे बच जाओगे। तो देखो लिखा हुआ है B26, B23 are too close, तो चलो पहले पता करते हैं यहाँ है कहाँ पर। तो इसको जानने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा सेलेक्ट पे, और सेलेक्ट पे आने के बाद लेबल्स, और लेबल्स पे आने के बाद यहाँ पर कहाँ गया, प्रॉपर्टीज लेबल्स, और लेबल्स पे आने के बाद यहाँ पर ज्वाइंट हो गया फ्रेम, फ्रेम लेबल्स, और यहाँ पर जाके B26 तुम्हारा बहुत परेशान कर रहा है तुमको ये, और आई थिंक B23 भी था, पर एक सेलेक्ट करके देख लो कौन वाला है ये। देखो ये है, ये प्रॉब्लम है तुम्हारा, पक्का ये प्रॉब्लम होगा। B23 सेलेक्ट कर लो, अगर वही सेलेक्ट हो गया B23 था ना पक्का, ये है क्या 23? नहीं 23 नहीं रहा होगा। 26 के साथ कौन सा था, क्योंकि जहाँ तक है ये वो नहीं हो रहा होगा, मैंने रिपोर्ट को ध्यान से देखा तो भूल गया। 23 सही पकड़ा था मैंने, 26 और 23 are too close। ओके, 23 तो ये वाला है, उन्होंने क्यों क्लोज हो रहा है भाई। देखो यहाँ से ही देखते हैं, मतलब हमेशा देखने का सीख लो, बाकी तो ये तो काम एक किसी पर भी आ सकता है। फ्रेम ओके, लेबल्स E23 ये है, B26 ओके, गॉट इट। ये प्रॉब्लम है, ये देखो क्या हो रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और ये जो हो रहा है इस पे आ रहा है, लेकिन इस पे तो कोई खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो चल जाएगा। इस पे रिलीज लगाया है रॉय, नहीं सर, तभी ये प्रॉब्लम कर रहा है वो। तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा एक बार देख लेते हैं, फिर भी 3D में सेट डिस्प्ले ऑप्शन शो कर रहा तुम्हारे में, ओ भाई साहब
अच्छा वो स्लैब लगा हुआ, सॉरी सॉरी वो मैंने ध्यान नहीं दिया मुझे। सही है सही है। देखो यहाँ पर भी वार्निंग आ रही होगी पक्का है। और यहाँ पर सही है, ऐसे करके देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हें तो दिख ही रहा है कि यहाँ पर ये हमारा समर्ज में नहीं है, पहली बात तो इग्नोर कर सकते हो ठीक है। दूसरी चीज़ इसको रिलीज यहाँ पर एक लगा दो, ये बोल रहा है कि दोनों एकदम पास पास हैं, बट एकदम तुम पास पास नहीं है। पास पास तो एक्चुअली में ये मेम्बर है जो प्रॉब्लम करना चाहिए, वो यहाँ पर एक मेम्बर था जो एक्स्ट्रा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रिलीज लगा दो रॉय, जहाँ तक ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा ठीक है, क्योंकि तुम्हारा गलत कहीं से नहीं है। ये क्या बोलते हैं ड्रॉ बीम में थोड़ा सा एक बार इसको रिजॉल्व करके देख लेना, ये देख लो ये थोड़ा सा ना आगे तक आ गया तुम्हारा बीम ठीक है। ये छोटी सी वार्निंग होती है, बट ये एक्चुअली में जब क्विक ड्रॉ से करोगे तो प्रॉब्लम आ जाती है। एक बार चेक कर लेना, अगर ये प्रॉब्लम मतलब कि रिजॉल्व करने से नहीं हुआ तो ये बस ये जो प्रॉब्लम है इसको कभी ठीक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको और बैक आके यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। उसके लिए तुमको इस बीम को ड्रॉ बीम से ड्रॉ करना पड़ेगा, पक्का उसी को रीड कर रहा है। फिलहाल इतने से कोई डाटा में तुम्हारे फर्क नहीं आएगा, तुम कंटिन्यू कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को। बस यही वार्निंग थी और कुछ नहीं। सर ये जो बीम है उसके मतलब वहां पे कॉलम तो नहीं है, मतलब आर्किटेक्चरल प्लान के हिसाब से बनाए हुए हैं अच्छा तो तो। कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम मना कहाँ कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ रिलीज कर दो ना, क्योंकि ये सेकेंडरी बीम हो गया ना अच्छा ठीक है। यहाँ सिर्फ रिलीज कर दो तो उसको समझ आ जाएगा भाई ये सेकेंडरी बीम है, वो सोच रहा है कि बस इसके ऊपर आके बैठ गया है ठीक है, इसलिए वो टू क्लोज दिखा रहा है। तो सेकेंडरी बीम से जहाँ तक ये सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, और कुछ वार्निंग नहीं है। और डिजाइन करके देखा पास वगैरह सब हो रहे हैं, सर डिजाइन तो नहीं हो रहा है, मतलब स्टॉप हो रहा है, मतलब स्टॉक हो रहा है। अरे एक मिनट चेक वार्निंग्स ओके वार्निंग्स नहीं हो जा रहा है क्या। देखो अगर वार्निंग्स की वजह से नहीं हो रहा है मतलब फिर वार्निंग को तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तभी आगे जाएगा। इतने पे रुक जा रहा है क्या। हाँ सर यहीं रुक जा रहा है। हाँ ओके 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 ये तुमने कुछ तो इसमें और भी गेम किया है। नहीं करना चाह रहा हूँ फिर भी मैं जस्ट चलो करते हैं। एक्चुअली कुछ पीछे प्रॉब्लम किया है तुमने, इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये लगभग लगभग सबका ही हो गया, मतलब कुछ तो अपना ही गड़बड़ रहेगा। देखो कई जगहों पे है ये, देखो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो मे बी ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। चलो तो कोई बात नहीं देखते हैं। सर टॉप स्टोरी में कॉलम नहीं दिया हो, क्योंकि सर आर्किटेक्चरल प्लान में था तो मैं नहीं दिया, तो ओके वो कोई दिक्कत सर वो नहीं है। प्रॉब्लम नहीं कर नहीं नहीं वो क्या टॉप स्टोरी में कॉलम नहीं दिया, कहीं पे भी नहीं दिया। नहीं सर। ये तो ये टीका कहाँ पे है ये। अरे ये चार तो कॉलम दिया था ना बस, टेरेस पे बस चार कॉलम ही दिया हो। से ये पूरा कहां पर टिका हुआ है। सर ओनली 4 कॉलम है सर। नहीं ऐसे कैसे कर सकते हो, यही तो प्रॉब्लम हो गया, अभी तो मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा कहां होगा, ऐसा आर्किटेक्चर प्लान दिया हुआ है कि फोर प्लान कॉलम। प्लान में सर ऐसा ही था। नहीं तो फिर वो प्लान मिस्टेक है भाई, अगर चार कॉलम पे ये पूरा स्लैब कैसे टिकेगा, हवा में थोड़ी टिकेगा। ये देखो यहां से कैंटिलीवर इधर आ रहा है, ये कैंटिलीवर इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसको तुमको कॉलम देना ही पड़ेगा, डिजाइन भले हो ऐसे, तुम खुद सुप्रैक्टिकली सोचो कि ये इस कॉलम से इसका क्या लेना देना होगा, है ना। तुम तो हाँ स्ट्रक्चर सर इंजीनियर वही हो। जरूर से पूछ रहा था मैं नहीं सर, नहीं नहीं तुम्हें कॉलम देना पड़ेगा वहां पर ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है ब्रदर। तुम सोचो यहां से कॉलम दे रहे हो, इस कॉलम का इस कॉलम से क्या लेना देना पड़ेगा, कितना ये सहारा देगा।
जैसे तुमने अगर यहाँ पर बीच में नहीं दिया होता, यहाँ दिया होता, यहाँ दिया होता, ये बीच में छोड़ देता तो चलता। अब तुमने यहाँ के कॉलम से इसको सपोर्ट दे रहे हो, ये तो वही हो गया कि हम लोग रस्सी से हेलीकॉप्टर पकड़ रहे हैं, है ना? ये नहीं पॉसिबल है। इसको कॉलम लगाओ, उसके बाद देखो, फिर भी देखो, क्योंकि सबने किया हुआ है, सुदीप ने भी कर लिया इसको और आशीष ने भी कर लिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया इसमें, ठीक है? कर लो, अगर प्रॉब्लम आता है तो आई विल जस्ट टेल यू कि क्या कर सकते हैं फिर, लेकिन कॉलम लगाओ, ठीक है? अब देखो इसने क्या बोलते हैं, डायनेमिक किया हुआ है, इसी प्रोजेक्ट का डायनेमिक किया हुआ है आशीष ने। एक बार लगा लो कॉलम, नहीं होता तो सॉल्व कर लेंगे, उसमें क्या है? देखो सॉल्व तो हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें कॉलम लगाना ही पड़ेगा, वो भी वही सलूशन है, उसके बाद होगा। तो एक बार कॉलम लगा के देख लो तुम। देखते हैं उन्होंने डायनेमिक एनालिसिस किया हुआ है। अब लग रहा है कि तुम लोगों ने काम एक्चुअली में किया हुआ है और एक्चुअली में ई टैब में अपनी एक पकड़ बना रहे हो। एक्सीलेंट, परफेक्ट किया हुआ है। देखो उसका टाइम पीरियड बहुत ही कम है, और अब डिज़ाइन अगर पास हो रहा है तो फिर काम बेस्ट किया है इसने। देखो इसमें कॉलम का साइज़ इसने बढ़ाया ज़रूर होगा, क्योंकि कॉलम का साइज़ डायनेमिक में बहुत लगता है, ठीक है? उसके लिए कोई भी उपचार नहीं है दूसरा। अगर इसका फेल नहीं हो रहा है तब तो फिर बहुत ही अच्छा है, बाकी एनालिसिस प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी दो दो मीटर के कॉलम हो जाते हैं डायनेमिक एनालिसिस में, तो गो फॉर दैट, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अरे वाह, परफेक्ट। देखो रॉय, देखो इसमें कितना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, इतना कम स्टील आ रहा है कि मतलब सोच नहीं सकते, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन ये वाला मैंने पहले देखा था यार तुम्हारा आशीष, परफेक्ट किया हुआ है। मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ तो समझ जाना, अगर किसी को पूछना रहेगा उसे तो अपना सीधा माइक ऑन कर लेना। हेलो सर। हाँ बोलो ना। हाँ सर, मैं भी वो सेम प्रोजेक्ट करके आपको दिया है डायनामिक पे, आप थोड़ा चेक कर लीजिए। हाँ ये चेक किया ना अभी? अच्छा तुमने दिया सुदीप? छोड़ो दीप हाँ सर। अच्छा सॉरी दीप ने क्या, ओके चलेगा ठीक है, मैं इधर देख नहीं रहा ना तो पता नहीं चला। तुमने भी किया है, सुदीप ने भी किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो इतना प्रोजेक्ट करने के बाद खुद ही लग रहा होगा कि यार अपन तो कर सकते हैं, ये देखो वेरी नाइस। ये तीन ही, पहला है एक्स का, दूसरा है वाई का, तीसरा है ट्रोजन का, इन तीनों में से हो गया ना फिर आगे तो हो ही जाएगा, ये देखो कम हो जाएगा आगे, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं एक सौरदीप का और इसके बाद सुदीप का देखते हैं। रॉय तुम भी थोड़ा सा कर लो, इसका निधि का तो तबीयत सर खराब है। डिज़ाइन थोड़ा इकोनॉमिकल है कि नहीं वो थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब ये वो वाले, समझ में ये नहीं। वाले प्रोजेक्ट का? नहीं सर, वो जो मैं भेजा है ओके चलो। मतलब सर स्टील परसेंटेज बहुत ही कम आ रहा है, इसीलिए सर बोल रहा हूँ सर। ओके ओके, ये क्या बताया? रिलीज? नहीं सर, लिंक लगाया हूँ सर। अच्छा लिंक लगाया, ओके ओके ओके। डायनेमिक किया हुआ है इसमें तुमने? हाँ सर, पर लोड कॉम्बिनेशन नहीं लगा सर, सिर्फ डायनेमिक हाँ किया लोड सर। कम्बिनेशन नहीं, लोड कम्बिनेशन बहुत हो जाएगा, ऑलरेडी 1.38 आ रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए सफिशियंट है, इतना टाइम है, परफेक्ट है। आप देखते हैं तुम्हारा डिज़ाइन, इस
इसके बाद हम लोग एक लास्ट प्रोजेक्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे अब रेविट के अंदर, ठीक है। एक प्रोजेक्ट और करेंगे, वैसे 2.48 आ रहा है, 1440 आ रहा है, 1440 आ रहा है, नहीं 1440 तो सही है। कितना कॉलम का साइज क्या है? सर 300 बाय 600 और बीम का साइज सर 300 बाय 400। तो ठीक है ना, 1440 आ रहा है, तो तुम 16 mm का अगर डिफाइन कर रहे हो तो लगभग तुम्हारा 6 बार आ रहा है। ना मतलब सर वो कॉलम का जो परसेंटेज आ रहा है 0.8 एकदम आ रहा है, उसका ज़्यादा नहीं आ रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हो 0.8 दे सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 16 mm के 6 बार लग रहे हैं तुम्हारे, हाँ ठीक सर। है, तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर वो कॉलम का जो साइज है मतलब G+4 के लिए ये इकोनॉमिकल है, थोड़ा वही सर साइज ज़्यादा पूछ रहा बड़ा हूँ। बड़ा कर दिए हो, ठीक, और अच्छा थोड़ा सर, छोटा कर सकते हो साइज को, थोड़ा सा छोटा कर दो, 550 तक लेके आओ। तो उससे पता क्या अच्छा होगा, उससे तुम्हारा परसेंटेज जो है वो 1 के आसपास आ जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ सर वही पूछ रहा हूँ। मतलब कॉलम का साइज बड़ा दिया हूँ इसीलिए सर हाँ स्टील का परसेंटेज बहुत कम दिखा रहा एग्जैक्टली है। exactly. तो अभी क्या करो, हाँ थोड़ा सर सा कॉलम के साइज को नीचे कर लो। कॉल अपर तो कैसे होता है, 1 to 1.5 के बीच में अगर परसेंटेज रहेगा तो बेस्ट परसेंटेज रहता है वो, अच्छा। ठीक है। मतलब तो सर ये इकोनॉमिकल उसी मतलब प्रैक्टिकल में इकोनॉमिकल नहीं का क्या जा सकता है मतलब सर। देखो इसमें कैसा होता है कि एक इकोनॉमिकल तो ठीक है, इकोनॉमी भी तो देखना ही देखना है, ये एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर है अगर इकोनॉमी परस्पेक्टिव से देखोगे। लेकिन हमें ये भी देखना है ना कि स्टील थोड़ा ज़्यादा लगा रहे, क्योंकि स्टील लगा रहे तो डक्टाइल इसका अच्छा रहेगा, डक्टिलिटी अच्छी रहेगी इसकी ना, अच्छा ठीक है। तो डक्टिलिटी अच्छी रहे जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए परसेंटेज को बढ़ाना है, तो परसेंटेज को बढ़ाने के लिए कॉलम के साइज को छोटा कर दो, ओके सर समझ। ओके और सर और एक क्वेश्चन है हाँ सर, बोलो ना। आप थोड़ा वो जो 3D रेंडर्ड व्यू है ना वो थोड़ा हाँ ओपन कीजिए सर इसका। सर और देखिए जो स्टीयर के पास दोनों बीम गया है ना। हाँ हाँ सर, ये जो स्टीयर के पास राइट वाला जो बीम गया है हाँ ये वेब लैब का अंदर घुस रहा है, मतलब ऐसे दिखा रहा है 3D रेंडर वो व्यू में ऐसे सर। एक्चुअली ऐसा दिखाता है, बट ऐसा प्रैक्टिकली तो हम बनाते नहीं है ना। हाँ सर, ये मेरा क्वेश्चन था कि मतलब ये क्या गलत हो गया हाँ सर नहीं नहीं वो इसीलिए। सही है, वो सही है, वो सही है, वो ऐसा ही दिखाता है वो, ठीक है। अभी देखो अच्छा इसमें ओके, दिखाएगा कि वैसे अब ये अंदर चला गया है, हाँ हाँ सर यही सर, ठीक है। नहीं ये एक्चुअली ऐसा दिखाता ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके सर। ओके परफेक्ट, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज यूनिक्सिटी, क्या हुआ इन्होंने, टाइम पीरियड इसका सही हो गया सुदीप, मैंने तो वही इसका प्रॉब्लम था। हाँ सर ये सही होगा, वेरी गुड। कॉलम साइज कितना ले गए? 250 बाई 1000। अभी जाके उसके लेवल का कॉलम दिए हो, और सर कुछ ओरिएंटेशन भी चेंज किया है, अच्छा। हाँ बिल्कुल होगा वो, तभी जाके होगा। देखो अभी कितना कॉलम का रेनफोर्समेंट भी ठीक ठाक आ रहा है सर, 0.8% भी आ रहा अब देखो परफेक्ट आ रहा है टाइम पीरियड तुम्हारा, है, कुछ बीम फेल कर रहा है सर। वो तो ठीक है ना, तो वो तो पास कर लोगे ना। बीम फेल करना तो रीजन क्या बता रहा है, शियर फोर्स एक्सीड बता रहा है, तो फिर बीम का साइज को बढ़ा दो, ठीक है। अगर शियर फोर्स एक्सीड बता रहा है तो बीम का साइज को बता दो, क्या एरर क्या दे रहा है रीजन। टॉर्जन बता रहा है तो थोड़ा सा टॉर्जन रिलीज कर दो, बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद हम लोग एक लास्ट प्रोजेक्ट करेंगे ईटीएफ्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसको नमस्ते लंदन करेंगे, एक फार्मेसी का लाइव प्रोजेक्ट आया हुआ है, ठीक है। और आया क्या हुआ है, एक बच्चे के पास आया था, तो मैंने बोला कि दे दो हमारे लाइक लाइव बैच में लोग प्रैक्टिस करने को हो जाएगा लाइव प्रोजेक्ट। तो एक फार्मेसी कॉलेज है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्या है वो देखो, ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, कल आपको यही करना है केवल, और इसके बाद ये जो है आपका फर्स्ट फ्लोर है, बस यही दो है शायद, ठीक और है क्या, सेकेंड फ्लोर है, मैंने अभी पहली बारी देख रहा हूँ आप लोग के साथ ही। तो इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है, वो कॉम्प्लेक्स ये है, ठीक है, ऑडिटोरियम हॉल है ये। तो इसमें आप यहाँ कॉलम देख, इसमें कॉलम अपने से देना है हमें, तो कॉलम यहाँ दे सकते हो, यहाँ दे सकते हो, यहाँ दे सकते हो, यहाँ दे सकते हो, यहाँ चाहे जितने दे दो कॉलम, यहाँ चाहे जितने दे दो कॉलम, बट बीच में कॉलम नहीं देना है, ठीक है, बीच में कॉलम नहीं देना है। ऑडिटोरियम को हल्का साइज नहीं दिया क्या इसने, 35 फीट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेप्थ होगी वो लगभग 750 से ऊपर जाएगी डेप्थ, तो जाने देना 750 कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पास करना इम्पोर्टेंट है। तो बस ये ऑडिटोरियम देना, उसके बाद तो ये तो नॉर्मल ही है अपना, जो ऐसे रेगुलर लोग करते आए हैं, वन साइड सीयर वॉल लगाना, थ्री साइड लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। तो वन साइड सीयर वॉल दे दे या फिर तीनों साइड दे देना, क्या दिक्कत है, ठीक
ठीक है। तो बस यही एक हम लोग एक लास्ट प्रोजेक्ट करेंगे इसके अंदर, और इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। उसके बाद इनको नमस्ते लंदन करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं रेविट के अंदर। तब तक मैं पहले इनका देखते हैं इनका क्या आया है रिस्पॉन्स। सर ये क्या स्टैटिक करना पड़ेगा? हाँ स्टैटिक स्टैटिक, अरे जी प्लस टू है यार, जी प्लस टू को भी डायनेमिक में जाओगे तो बेकार हो जाएगा, मतलब सी रजिस्टर जी टू है। सीढ़ी के पास है क्या एरिया, स्टेयर के आस पास है क्या? इसके साइज को क्या दिए हो, साइज फैमिली और राइट साइज, ठीक है 550 तो वैसे काफी दे दिए हो ऑलरेडी। परसेंटेज आ रहा है ज्यादा। इसके आसपास के कॉलम के ओरिएंटेशन को चेंज करके देखा क्या? ना सर, फेल करने के बाद कुछ नहीं किया। तो इसके कॉलम के साइज के ओरिएंटेशन थोड़ा सा देख लो, क्योंकि 550 सफिशियंट है, ठीक है 550, मतलब अब इसके नीचे क्या लेके जाओगे, क्योंकि इसके आगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है एक तो ओरिएंटेशन चेक कर लो, ठीक है ओरिएंटेशन नहीं हो रहा है तब नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन तो यही है कि डेप्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि सीयर का मतलब है कि लोड ज़्यादा बता रहा है, खत्म, ठीक है। और आओ ठीक मेहनत कर लो, जितना अभी इतने पर लेके आए हो तो आगे और आएगा, है ठीक है। यही ठीक तो, है। यही तो लर्निंग है, चलेगा। चलो लास्ट देखते हैं तुम्हारा प्रोजेक्ट। ये तो तुम्हारा नहीं है, अच्छा सर मैंने एक सेफ का फुटिंग भेजा। सेफ वाला था क्या? अभी सेफ में भी फटाफट सब लोग स्टार्ट कर दो अपना अपना प्रोजेक्ट, सो दैट कि आपको उसकी भी ऐसे ही मास्टरी आ जाए जैसे इसमें आप लोगों ने इतना बढ़िया, मतलब देखो 1 लाख टाइम पीरियड से हम लोग कहाँ पर आ गए, 1.5 पर आ गए, तो ये आए कैसे, ढेर सारा मेहनत करके आए। शेयर वाल को बीच में जो बीम वो बीम नहीं देना चाहिए ना? नहीं बीम जैसे अभी मैंने डिलीट करने बताया ना, सिखाया ना भाई तुमको हाँ, कैसे, मतलब उधर ऐसे बीम भी डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो कॉलम बीम खुद ही है ना वो। सर आप एक बार ऑटो कैट का प्लान ऑन कीजिए। हाँ तुम्हारा वाला, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है क्या? हाँ है ये नहीं पुटिंग होगा आई थिंक, सेफ, ये पुटिंग है सेफ का, सेफ ही कर रहा हूँ, ये वाला है ना, ये वाला नहीं लेफ्ट कट से। ये भी तो है। हाँ ये एक्चुअली मैंने अभी इसको क्रैक भी नहीं किया शायद, मेरे को याद नहीं क्रैक मैंने किया था कि नहीं, .6, ओके। पंचिंग शेयर कितना आ रहा था इसका, 0.27, हाँ हाँ सही है ना, वन के अंदर है, परफेक्ट है, सिंपल ही बनाया अभी तो, सिंपल तो सही रहेगा, ठीक है। 2.7, 0.27 मतलब एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कौन सा ऑटोकैड फाइल में समझ नहीं, ये वाला बोल रहे ये हो? वाला सा है तो हाँ बोलो। ये लीफ के पास जो कॉलम है ना हाँ ऊपर, उधर से जो बेडरूम के पास जो बीम आएगा तो उधर तो लिफ्ट का पोर्शन का तो बीम नहीं होगा था, अगर उधर हमें शेयर वाल देगा तो। फिर समझाने में देखो, ये जो कॉलम है ना हाँ इधर से तो एक बीम सीधा नहीं आएगा ना बेडरूम के पास से, इधर से बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ना नीचे नीचे में से प्लान के नीचे में ये अच्छा हाँ कॉलम से। बेडरूम से, हाँ, इधर से एक बीम तो आएगा, हाँ तो अगर मैं ये लिफ्ट का जो राइट साइड में जो शियर वाल दूंगा तो इधर तो बीम नहीं होगा, करेक्ट नहीं तो होगा। छोटा हो जाएगा ना बीम का साइज। नहीं देखो कैसे होता है कि पहली बात, ओ छोटा मतलब कैसे छोटे की बात कर रहा हूँ, मैंने ये बेडरूम शियर वाल का जो वाल है हाँ उससे खत्म होकर पास तो बीम स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली। इसमें एक चीज कर सकते हो तुम, पहली बात तो ये कि तुम्हारा जो बीम होगा वो बीम का ओरिएंटेशन इधर दे सकते हो, ठीक है इस तरफ, ठीक है। और इसके बगल में तुम्हारी सीयर वॉल जा सकती है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी बीम जल जाएगी इधर की तरफ, और इस तरफ जो तुम्हारा होगा ये तुम्हारा सीयर वॉल होगा, मैं पक्का हूँ श्योर करता हूँ कि ये जहाँ तक है इन्होंने ना केवल पीछे की तरफ सीयर वॉल देने वाले हैं इधर की तरफ, ठीक अच्छा है। और ये पूरा ये ओपन रखेंगे इधर, ये आरसीसी की वॉल बनाएंगे, ओ सॉरी इधर ब्रिक की वॉल बनाएंगे, इधर ब्रिक की वॉल बनाएंगे, सिर्फ इधर की तरफ ही देंगे, एक बार श्योर कर लो पहले उनसे, ठीक है। आप लिफ्ट जो है तीनों साइड देने वाले हो, लिफ्ट में आरसीसी तीनों साइड देने वाले हो या फिर वन साइड, जनरली इतने छोटे प्रोजेक्ट में सब वन साइड ही देते हैं, ठीक है। और वन साइड ठीक देते है फिर ठीक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है है। चलेगा, बताना कोई दिक्कत रहेगा तो अपन तो है ही ना।
अभी कल फार्मेसी का प्रोजेक्ट करना सभी लोग, फार्मेसी का प्रोजेक्ट करके फिर उसके बाद आगे चलेंगे। और किसी कोई दिक्कत आया? पवन बोल रहे हैं सर कॉलम ज़्यादा आ रहा है कॉलम में, आशीष बोले, सॉरी आशीष बोल रहे हैं सर कॉलम में ज़्यादा आ रहा है, क्या स्टील परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है ऊपर तक हेलो है? हाँ जी बोलो। सर, वो चंद्रदीप का प्रोजेक्ट है ना, उसके लिए बोला था, तब बोला था अच्छा हाँ कॉलम नहीं था ऊपर हाँ तक हाँ से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके ओके, किसी और को कोई डाउट है यहाँ तक में, अभी तक में ईटैप में कुछ डाउट आ रहा है, सेफ में कुछ डाउट आ रहा है पूछ लो। निधि तुम्हारी तबीयत कैसे, बताया नहीं तुमने। और किसी का क्या बोलते हैं कुछ दिक्कत आ रहा है अभी? आशीष कुछ दिक्कत आ रहा है, कुछ दिक्कत किसी को भी आ रहा है तो पूछो कि सर अभी मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, चौधरी बजट को रीड किया कुछ, उसमें डाउट आया किसी को? रीड कर लिया सबने? ठीक है सर हाँ जी बोलो। सर हाँ रोय बोलो। वो जो ऑटोकैड स्टडी प्रो, ये सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, अभी क्यों तुमको सर्टिफिकेट चाहिए, अभी चाहिए क्या? हाँ सर, एक अप्लाई किया था तो बोला कि सर्टिफिकेट दिखाओ, तो नहीं है तो मेरे पास। कोई भी दो प्रोजेक्ट, तुम्हारे पास इतने ढेर सारे प्रोजेक्ट हो गए हैं, क्या करो दो प्रोजेक्ट को सबमिट करो, तो दो प्रोजेक्ट स्टैट के, दो प्रोजेक्ट ऑटो कैट के करके अपने वो जो आकाश पांडे वाली से आईडी है उस पे भेज दो, उसमें लिख देना कोर्स नेम और योर नेम, ऑटोमेटिक एक हफ्ते के अंदर आ जाएगी, जनरली सैटरडे संडे को आती है। हो गया ओके ठीक है। बाकी अपना जो इंटर्नशिप है इसका एक साथ एक सर्टिफिकेट आएगा जिसमें लिखा रहेगा 4 मंथ स्ट्रक्चरल इंटर्नशिप, उसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर के नाम रहेंगे प्रॉपर। तो तुम्हारा तो मेन तो वही है, बट तुम्हें अगर तुझे चाहिए, अगर कहीं पे नीड है तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बना दूंगा यार, तुम्हें जॉब लगनी चाहिए बस, हो गया। ठीक है, अभी एक ओपनिंग थी आप लोगों को मैंने भेजा था, अगर देखा होगा तो शोभा ग्रुप में काफ़ी अच्छी ओपनिंग्स है, तो उसमें क्या बोलते हैं कई ढेर सारी प्रोफाइल्स है, जो प्रोफाइल आपको लगता है कि इस प्रोफाइल में मैं कर सकता हूँ गो फॉर दैट, उस प्रोफाइल में अप्लाई कर दो क्योंकि वो बेहतरीन कंपनी है। ठीक है, बेस्ट कंपनी है। किसी और को कोई डाउट नहीं आ रहा है ई टैब में, स्टैट में कोई डाउट नहीं आ रहा है, और ऑटोकैड में भी कोई डाउट नहीं आ रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं, आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे बढ़ते हैं जो कि हमारा लास्ट सॉफ्टवेयर रहेगा रेबिट, और उसके बाद थोड़ा मैनुअल का और थोड़ा सा इंटरव्यू का नॉलेज लेंगे, और तब तक मैं कोशिश कर, लगभग लगभग सबका हो ही गया है, सॉरी दीप का हो गया है। सुदीप तुमने कहीं पर इंटरव्यू दिया रिसेंट में? सुदीप रिसेंट तो नहीं दिया, पिछले हफ्ते में दिया ठीक है, था एक, तो अभी कुछ तो कुछ रिप्लाई नहीं आया? ना सर, नहीं ओके क्या। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर दो अपने इंटरव्यू को। मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट होते होते सबके हाथ में एक एक जॉब रहे, ठीक है, वो सबसे बेस्ट होगा, उसे ना तुम मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ यार मैं ट्रेनिंग कंप्लीट होते होते मेरे पास एक जॉब आ गई। ठीक है, अभी मैं डेली ओपनिंग डाल रहा हूँ जॉब्स गाइड पर, मैंने एक्टिवेट कर दिया खुद को, और आज भी कल भी ओपनिंग डालूंगा, आज ओपनिंग डाला हूँ कि लिंक्डइन से कैसे जॉब सर्च करते हैं, प्लस एक शोभा ग्रुप का भी डाल दिया है, कल भी बताऊंगा स्ट्रक्चर का। मैं ऑलरेडी तुमको बताइए कि स्ट्रक्चर में बहुत कम जॉब है, उसमें से अगर हम जॉब सर्च करें, क्योंकि मैं बैठता हूँ ना तो सर्च करता हूँ सबसे पहले स्ट्रक्चर का ही सर्च करता हूँ, बट नंबर ऑफ ओपनिंग्स कम है मार्केट में, तो इसलिए फिर क्या करते हैं कि आएगी डेफिनेटली ओपनिंग आएगी, लेकिन अपने से भी अप्लाई कर दो। पवन तुमने कहीं पर इंटरव्यू दिया? सर इंदौर से आया था कॉल, इंडोवेल से क्या बोले वो लोग? इंदौर से आया था इंदौर सर, से तो लेकिन अभी उन्होंने पानी गिर रहा है सर यहाँ पे, 2 दिन से अलर्ट रेड जोन अलर्ट है सर, तो वो कॉल नहीं आया, लेकिन उन्होंने बोला है कि टेलीफोनिक लिया था इंटरव्यू उन्होंने, ओके तो बुलाएंगे, तो एक बार बुलाएंगे जरूर ओके, तो अब 2-3 और कंपनियों में अप्लाई करो। जी। आशीष तुमने कहीं पर दिया? आशीष चलो, जब तक तो शायद उसको आवाज नहीं आ रही, क्या बाहर घूम रहा है कहीं? हेलो आशीष, चलो तो तब तक हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग को रैबिट इंस्टॉल करना है अपने अपने लैपटॉप में। अब मैं रैबिट क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग तो, हाँ आशीष हेलो। बोलो, हाँ सर। कहीं पे गए थे इंटरव्यू देने के लिए? नहीं सर, अभी नहीं जा पाया हूँ सर, वो अभी सर एक प्रॉब्लम हो गया है क्या हो गया? सर, वो जो MRI आया था ना, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड में एक नस दब रहा है, तो सर अभी पता नहीं सर आगे क्या होगा, या तो फिजियोथेरेपी होगा या तो सर्जरी का, तो ऐसा पता नहीं, बोला नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है सर, कहाँ की नस दबी हुई है? स्पाइनल कॉर्ड में। अरे बड़ा दिक्कत हो गया होगा तब तो, स्पाइनल कॉर्ड में तो बड़ा हाँ प्रॉब्लम है। सर, अभी तो सर ये बैठना भी मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, नहीं ऐसा होता है कभी कभी, कल मैं भी कल रोहा में गया था, तो मेरा भी ना ये पेट की एक नस थी वो दब गई थी, उसकी वजह से बार बार प्रॉब्लम आ रहा था, तो कल उसने वो फिजियोथेरेपी वाला जो होता है ना, उसने वो नस टाइट करके पता नहीं कैसे कैसे किया, तो वो अपने आप वहाँ से रिलैक्स हो गया और फिर वो नॉर्मल हो गया।
कल से अभी तक तो मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आई, ऊपर वाला करे कि आगे भी ना आए, बहुत हैरान हुआ हूँ। और स्पाइनल कॉर्ड का तो बहुत पेन करता है, ठीक है। हाँ तो सर, वही अभी 3-4 दिन से सर वही बार बार जा रहा हूँ डॉक्टर के पास ही। क्या हाँ, तो ये बेंगलोर में दिखा रहे हो, क्या सर? बेंगलोर में ही दिखा रहे हो? हाँ सर, बैंगलोर में ही दिखा रहा हूँ फिलहाल। ओके, देख लो, नहीं तो घर चले हो, क्योंकि ये ना स्पाइनल कॉर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। जो हाँ सर, वही सोच रहा हूँ। हाँ, क्योंकि केयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, चलना फिरना जब होगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड का हाँ बड़ा सर, प्रॉब्लम इसीलिए है। सोच रहा हूँ। पर सर उसका बीपी भी हाई हो गया, इसलिए पता नहीं, जाना ही पड़ेगा मे भी। बीपी हाई हो गया, हाँ सर, मेरा लो हो गया था, तो मुझे चॉकलेट खाने के लिए बोला था, मैंने इतनी चॉकलेट खा ली कि अपने आप सब सही हो गया। बोला कि चॉकलेट खाओ और बनाना वगैरह बोला था, तो मैंने चॉकलेट बहुत ढेर सारी खा लिया, 500-600 रुपए की एक साथ चॉकलेट लिया, खाते खाते खत्म कर गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी क्या बोलते, तब आराम करो, ठीक है। और लेकिन कोशिश यही करो कि चलना फिरना कम करो, क्योंकि चलोगे फिरोगे ना तो स्पाइनल अपने आप इधर उधर होगी। हाँ सर, और एक्सरसाइज मत करना गलती से भी, हाँ एक्सरसाइज, वो मना किया है सर। हाँ, हाँ तो मतलब ऐसा हुआ ना कि सीधा कर लेंगे खुद से, और गड़बड़ हो जाएगा। चलो कोई बिल्कुल बात, बिल्कुल रेस्ट करो और मैं तेज सजेस्ट दूंगा, घर चले जाओ। ओके सर। नो नेक्स्ट इज कैसे रैबिट आपको इंस्टॉल करना है। रैबिट इंस्टॉल करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए अभी से करना है। कल हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, और कल पहले आप पूरा प्रोजेक्ट कर लो, उसके बाद चलेंगे रैबिट पे, कोई हमें जल्दी नहीं है, ठीक है, आप आराम से चलो। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, जस्ट डालना रैबिट, ठीक है। रैबिट के दो वर्जन सबसे अच्छे हैं, एक है 2020 2018, ठीक है। तो 2020 को जस्ट क्लिक करना और गो कर देना यहाँ पे, जैसे करोगे सबसे बेस्ट वर्जन यही है। याद रखना इंटरनेट मत याद ओपन करना, अगर इंटरनेट ओपन किए तो फिर कल आप बोलोगे सर मेरा हो ही नहीं रहा इंस्टॉल। तो यहाँ पर जाना, और ये वर्जन सबसे अच्छा है, इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा। ये क्लिक करके जस्ट यहाँ से आप रैबिट आपका खुल जाएगा। रैबिट खुलने के बाद यहाँ पर आना, ये आप यहाँ से जस्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देना। थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये हैंग भी करेगा थोड़ा, ये ज़्यादा सॉफ्टवेयर, लेकिन अपने को अगर सीख लोगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी, जॉब के साथ भी अर्निंग बढ़ जाएगी, प्लस जॉब में भी आपके अर्निंग्स बढ़ जाएंगे। तो ये मैं यहाँ से आप लोग कर लीजिए, और इसके बाद हाउ टू इंस्टॉल भी दे रखा है यहाँ पर, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये हम लोग रैबिट सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि हम तो स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। करेक्ट है, जब कभी भी आप स्ट्रक्चर्स में बीम की का नॉलेज भी ऐड कर दोगे, तो आप हमेशा सैलरी में आपकी हाइक ज़्यादा होगी कंपनी के अंदर। इसलिए मैं केवल रैबिट नहीं सिखाऊंगा, बीम के भी जितने कॉन्सेप्ट्स इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड होंगे वो सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो उससे क्या होगा कि इन केस अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कि मुझे अभी तुरंत में ओपनिंग की नीड है, बीम में ओपनिंग जा रहे हैं, तो आप क्रैक जरूर कर जाओगे, इसकी गारंटी मेरी है, क्योंकि बीम में जो जो पूछते हैं वो सब मुझे पता है, जैसे स्ट्रक्चर्स में पता है। तो मैं आपको पूरा इंटरव्यू का, इसका क्वेश्चंस का सीरीज मेरे पास है, लगभग 100 क्वेश्चंस है, उसी में से लगभग अब तक सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीम में, मैक्सिमम इंटरव्यू में। तो एक तो वो करना है, दूसरी चीज़ इसको एक्चुअली सीखने से लर्निंग ये होगी कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, आप कल को कहीं इसी जगह जॉब कर रहे हो, स्ट्रक्चर्स में कर रहे हो, ड्राफ्टिंग में कर रहे हो, कहीं पर भी आपको एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट मिलता है, तो एक प्रोजेक्ट का मिनिमम आप 5,000 से 10,000 चार्ज कर सकते हो। और ये एक ऐसी इनकम है कि महीने में अगर एक प्रोजेक्ट भी निकाल दिया तो 10,000 रुपये आपके फिक्स हो गए, और दो तीन प्रोजेक्ट निकाल दिए तो फिर आपकी अच्छी खासी इनकम एक्स्ट्रा जनरेट होती रहेगी। और ये प्रोजेक्ट मिलना आसान होता है, रीज़न ये होता है कि अभी किसी से बोलो कि मैं आपके घर के स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करके दे देता हूँ, तो बोलेगा कि स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन क्या करोगे, हम ऐसे ही बनवा लेंगे। लेकिन किसी से बोलो कि आपके घर का एक अच्छा सा मॉडल बना के दे देता हूँ, वो तुरंत रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा है, जैसे आप लोगों ने स्टैट में मन दिखाया है, जैसे ई टैब में अपना 100% दिया है, सेम टू सेम अपने रैबिट में कर लेना। अदरवाइज क्या होगा, अगर एनर्जी नहीं लगाओगे तो अप लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो बहुत आसान है, और एक तरीके से लाइफ टाइम के लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का एक की दे रहा हूँ आपको, जो कि रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर्स के रूप में होगा। और उसके लिए क्या करना है आपको, आज इंस्टॉल कर लेना है इसको, और आज नहीं करेंगे, ठीक है, कल से करेंगे स्टार्ट उसको आराम से। पहले आज क्या करो, वो जो फार्मेसी का प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर लो, और कोशिश करो कि उसी की फुटिंग या फिर किसी की भी फुटिंग की सेफ में भी उतनी ही प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि हमारा कोई भी वीक पोर्शन न रहे, एकदम हर पोर्शन हमारे कैसे हो, स्ट्रांग हो, कहीं से भी हम क्या बोलते हैं, हिले ना, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। कोशिश ये करेंगे कि एक प्रोजेक्ट मैं आपको देने वाला हूँ शायद 2-3 दिन में, अभी 2-3 लोग थोड़े से, जैसे कि कुछ निधि की तबीयत खराब है, आशीष की तबीयत खराब है,
और इसके बाद जैसे ही लोग ओके हो जाते हैं तो उसके बाद एक हम लोग छोटा सा कैट टेस्ट करेंगे, ठीक है। कैट टेस्ट मतलब एक प्रोजेक्ट मिलेगा जिसका एक टाइम आवर्स फिक्स होगा, उस टाइम आवर्स में उस प्रोजेक्ट को करके आप सबमिट भी करोगे, और जो जो उसमें स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा, पार्ट रहेगा पूरा नहीं, एक पार्ट करके देना रहेगा, उसको करके आप जितने जल्दी सबमिट करोगे वही आपका टेस्ट का स्कोरिंग होगा कि कितना फास्ट किया उस प्रोजेक्ट को। किसी ने 30 मिनट में किया तो उसको ज़्यादा मार्क्स है, किसी ने 40 मिनट में किया उसको थोड़ा कम मार्क्स है। इस तरीके से एक कैट टेस्ट करेंगे जो कि लाइव करेंगे, जिससे कि फटाफट होता जाए, इधर क्लास चलती रही उधर आप करते रहोगे, ठीक है। तो 2-3 दिन में इसको हम लोगों ने प्लान कर लिया है ऑलरेडी, तो 2-3 दिन में ये भी एग्जीक्यूट करेंगे। आज आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेना है। इसका ईटैप करो, इसका सेफ करो, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ, और होप्स हो कि आपने सेफ पूरा कंप्लीट कर दिया होगा, ईटैप भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर लेक्चर्स वॉच नहीं किया है तो कर लो। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे रैबिट, ठीक है। मैक्सिमम 10 डेज लगता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लगने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने को परफेक्ट होना है। 15 डेज तक चले जाएंगे और उसके बाद मैनुअल पढ़ेंगे और उसके बाद उसको फिनिश कर देंगे। हाँ सुदीप बोलो। सर आज का क्लास का रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा सर? मैं आज की क्लास की रिकॉर्डिंग अभी अनलिस्टेड करके यूट्यूब पर डालूंगा, कोई और नहीं देख पाएगा, सिर्फ हम लोग देख पाएंगे, ठीक ठीक है, है। चलेगा।